को मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवनीत गौतम्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं BSc थर्ड ईयर फिजिक्स में आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक कराए थे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं उनके टाइप क्या क्या होते हैं वो दोनों लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप्स। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि जो अर्थ है आपकी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर है? तो देखो इस टॉपिक को समझ लीजिए। अर्थ इज ए कैसा, आपको पता है एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्व निर्देश तंत्र, और एक होता है अजड़त्व निर्देश तंत्र। क्लियर है? तो यानी एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो अर्थ जो है ना आपका वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, यानी ऐसा ले सकते हैं कि अर्थ कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है? तो अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात आपको प्रूफ करनी है। यानी इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे कि अर्थ क्या है, अर्थ है आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो आइए इसे देख लेते हैं, अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो किस प्रकार से है। ठीक है? आइए देखो इसमें करेंगे क्या। देखो वास्तव में जो है ना आपकी जो अर्थ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, क्योंकि देखो अर्थ क्या है आपको पता है, जो अर्थ है अपनी, जैसे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है, सन होता है, और चारों तरफ कौन होती है, मतलब कौन घूमती है चारों तरफ, अर्थ है ना। इसी प्रकार सभी प्लैनेट सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो जो अपनी अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, और वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है? तो अर्थ में दो प्रकार की मोशन होती है, आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है रोटेशन, ठीक है, एक तो होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन को आप घूर्णन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिक्रमण, यानी परिक्रमा करना, चारों तरफ घूमना। ठीक है? तो घूर्णन देखो रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन घूर्णन जो है आपका वो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? लेकिन जो परिक्रमण है वो कैसे होता है, यानी जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर इस तरीके से तो घूमती है, साथ में इस तरीके से घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। क्लियर है? इस तरीके से। तो देखो ये जो है ये वाली मोशन ये है रिवॉल्यूशन या परिक्रमण, और ये जो ये मोशन है इसे बोलते हैं रोटेशन या घूर्णन। क्लियर है? तो अर्थ में एक बार बताओ हमें सिद्ध करना है कि अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल। तो इसके लिए मैंने दो बात बताई थी आपको कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कैसा हो, अनएक्सेलरेटेड, है ना, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कैसा हो, अनएक्सेलरेटेड। ठीक है? अनएक्सेलरेटेड का अर्थ क्या होता है, अत्वरित, यानी ऐसा निर्देश तंत्र जो अत्वरित होता है, और साथ में कैसा होता है, एक और बात थी, नॉन रोटेटिंग, यानी जिसे बोलते हैं आप अघूर्णी, यानी जो घूर्णन गति ना कर रहा हो, अघूर्णी। ठीक है? तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड हो, नॉन रोटेटिंग हो, वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ, जबकि अर्थ क्या है, वो रोटेशन कर रही है और रिवॉल्यूशन कर रही है, तो रोटेटिंग तो है वो, नॉन रोटेटिंग नहीं है, एक बात, और रिवॉल्यूशन कर रही है तो रिवॉल्यूशन में मोशन है ना, मोशन हो रही है, तो मोशन हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होता है इस मोले, और यानी त्वरण भी होता है, और त्वरण है तो इसका मतलब अनएक्सेलरेटेड नहीं है, अत्वरित नहीं है। ठीक है? उसमें एक्सेलरेशन है तो कैसी है, एक्सेलरेटेड है, और रोटेटिंग भी है अर्थ, है ना, क्योंकि वो रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो अर्थ फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे होगा, अर्थ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए था। क्लियर है ना? क्योंकि एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग वाला जो वर्ड आता है वो नॉन इनर्शियल में आता है। क्लियर है ना? यानी ऐसा निर्देश तंत्र जो अत्वरित, वो जो त्वरित होता है, ठीक है ना, और कैसा होता है, जो घूर्णी होता है, वो क्या कहलाता है, अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है? लेकिन ये जो आपकी अर्थ है वो तो अजड़त्व निर्देश तंत्र होनी चाहिए,
ए जड़त्व है ना, यानी कहने का अर्थ है क्या बोलेंगे, ए जड़त्व है ना, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल। ठीक है, क्यों समझ गए ना आप, अर्थ नॉन इनर्शियल क्यों होनी चाहिए, ए जड़त्व क्यों होनी चाहिए, क्योंकि नॉन इनर्शियल में दो वर्ड होते हैं, एक तो रोटेटिंग यानी घूर्णी, और एक वर्ड होता है एक्सेलरेटेड यानी त्वरित। ठीक है, तो अर्थ में त्वरण भी है, किसके कारण, रिवॉल्यूशन परिक्रमण के कारण, एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, और साथ में अर्थ में क्या है, रोटेशन भी हो रहा है, तो इसलिए रोटेटिंग भी है। तो ये जो अर्थ है, जो आपकी पृथ्वी है, वो कैसी होनी चाहिए थी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होनी चाहिए थी, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए थी। लेकिन ये वास्तव में क्या होती है ना, होती तो अजड़त्वीय ही है, लेकिन इसे माना जा सकता है क्या, जड़त्वीय, यानी होती तो नॉन इनर्शियल ही है, लेकिन उसे क्या माना जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, आइए समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जो अर्थ है वो किस प्रकार से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे, तो जो अर्थ है वो वास्तव में क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, यानी सिद्धांतों के अनुसार, लेकिन उसे माना क्या जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, चलो तो देखो क्या करेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे ना कि कैसे होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अजड़त्वीय, वो इनर्शियल को क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसे होती है। ठीक है, तो देखो मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में क्या होती है, वास्तव में तो ये नॉन इनर्शियल होती है। ठीक है, कैसी होती है, नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, निर्देश तंत्र कैसा है, अजड़त्वीय। ठीक है, अजड़त्वीय क्यों है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। ठीक है, यानी नॉन इनर्शियल क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन होता है और ये रोटेशन भी करती है। ठीक है, तो इसी कारण ये नॉन इनर्शियल है, लेकिन माना क्यों नहीं जाता है वास्तव में, फिर ऐसा क्यों माना जाता है कि इनर्शियल है अर्थ। ठीक है, तो कारण क्या है, देखें तो आप एक बार जानते हैं, रोटेशन, अर्थ रोटेशन करती है। ठीक है, अर्थ कैसी है, नॉन इनर्शियल क्यों है, मतलब नॉन इनर्शियल क्यों मानी जाती है वास्तव में, क्यों होती है, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन होता है ना, ये कैसी होती है, मैंने बताया है एक्सेलरेटेड है ना, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दो चीज़ों कारण है, आपको पता है, एक मोशन तो है आपकी रिवॉल्यूशन, और दूसरी मोशन कैसी है, ठीक है, रोटेशन, यानी अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमती है, अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है ना, और चारों तरफ भी घूमती है, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले रोटेशन के कारण जो एक्सेलरेशन है वो निकाल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन, यानी ए बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, पता है ना, ये किसके कारण निकाल रहे हैं आप, रोटेशन के कारण, ए बराबर क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन जो अर्थ की रेडियस है उसे आर ई मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, आर ई, और आपको ए की वैल्यू निकालनी है रोटेशन के कारण, यानी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, उसके कारण कुछ एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो वो होता है कितना, तो वहाँ से पता चलेगा, है ना, तो देखो आर ई तो पता है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ की रेडियस यानी पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है 6.4 गुणा 10^7 माइनस के 6 प्लस के 6 है ना, यानी 6400 किलोमीटर होती है, तो 6400 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो 6400 किलोमीटर, चलो मैं बदल के दिखा देता हूँ, आप याद रखेंगे अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 64 किलोमीटर, तो देखो इसे बदलो तो 64 × 10^2 और यानी 6. किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मतलब 10^3 और पॉइंट लगाओगे तो 10^4 आ जाएगी ना, क्या आएगा, मीटर। आर ई की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा देखो, जो ओमेगा है आपका ये क्या है, ये है एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये सब क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, ये क्या है, कोणीय वेग है, और किसका कोणीय वेग है, अर्थ का कोणीय वेग है, यानी पृथ्वी का, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है किसके अबाउट, किसके लिए, रोटेशन के लिए, यानी फॉर रोटेशन, घूर्णन के लिए, यानी जो पृथ्वी घूमती है ना, तो इतने वेग से, इतनी वेलोसिटी से घूमती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से घूमती है पृथ्वी, क्लियर है, और इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे 7.25
गुणा 10^-5 ठीक है होती है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या हो जाएगी, रेडियन है ना। देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या बी एस सी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो डी थीटा है रेडियन और ये है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड ठीक है। तो चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ पूरा, रेडियन पर सेकंड ठीक है। तो ओमेगा की ये वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू रखो, आर ई की वैल्यू रखो, और आर ई जो है या ओमेगा की वैल्यू देखो निकाल के आएगी, निकाल भी सकते हो आप, याद ना रखो तो। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T, टी क्या है टाइम पीरियड, यानी कि क्या बोलते हैं आवर्तकाल एक तरीके से ना, आवर्तकाल यानी समय वाला जो है, आवर्तकाल समझते हैं ना, एक चक्कर को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। द टाइम टेकन है ना टू कंप्लीट वन रोटेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, या पीरियड ऑफ रोटेशन कह सकते हो है ना, यानी घूर्णन का समय, क्लियर है। तो देखो इसे यहाँ से निकाल सकते हो, ओमेगा को पाई की वैल्यू रख दो 3.14 टी, देखो टी यानी समय है, तो पृथ्वी एक चक्कर अपनी अक्ष पर कितनी देर में लगाती है, 24 घंटे में आपको पता होगा, यानी एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे है ना, घंटों को मिनट में बदलो, ओवर्स को मिनट में बदला, मिनट को सेकंड में बदला ठीक है। तो दिन को घंटों में, घंटों को मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो यहाँ से कैलकुलेट करके यही आएगा है ना आपका 7.25 × 10^-5 क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या, वो यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, रेडियन पर सेकंड, तो कैलकुलेट कर लो चाहे नहीं तो डायरेक्ट याद रखो ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू है आर ई की 6.4 × 10^4 ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी आप रख सकते हो, यानी ओमेगा की वैल्यू रखो और इसका स्क्वायर कर दो। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी आपको, जिनका सब्जेक्टिव है पेपर है ना, वो कुछ मेन वैल्यू याद कर लेंगे, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो तो इसे समझे, बस समझ में आना चाहिए, तो कुछ कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, वो तो सभी कुछ समझ के चले। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन जो आपका आएगा ना, ये पावर देखो माइनस की है, माइनस की पावर है ना, तो माइनस की पावर का मतलब है बहुत छोटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू याद रखने के आप कितनी होती है, 0.00 वो 0.033, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट आप जानते होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन बहुत छोटा है, एक्सेलरेशन छोटा होने के कारण देखेंगे क्या होता है ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसा है, बहुत स्मॉल है, इसी कारण देखो है ना क्या हो जाएगा, हाँ पहले रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन निकाला, अब रिवोल्यूशन के कारण एक्सेलरेशन और निकाल लेते हैं ना, फिर देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या मामला है, किसके कारण, रिवोल्यूशन के कारण ठीक है। तो रिवोल्यूशन यानी एक तरीके से आपको पता है परिक्रमण, तो ध्यान देना रिवोल्यूशन के लिए भी फॉर्मूला यही लग जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो आर है देखो यहाँ तो रेडियस ही ले लिया अर्थ की, क्लियर है, क्यों, क्योंकि अर्थ ही तो घूम रही है, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरीके से है, बीच में सन है, चारों तरफ एक रेडी वो क्या है अर्थ है, चारों तरफ अर्थ ही तो घूम रही है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ले जाएगी मान लो कितनी है आर ठीक है। तो यहाँ पे आर पता है क्या है, आर है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ठीक है। डिस्टेंस किस किस के बीच की लेनी है, अर्थ के और सन के, बात क्लियर है आपको, और अर्थ के और सन के बीच की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है, यानी मीटर में बदलेंगे तो इतनी आएगी ना, क्या होती है 1.5 × 10^11 मीटर ठीक है। आप देखो ओमेगा निकाल लो, इसी प्रकार ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/T यहाँ से देखो, तो पाई की वैल्यू रख दो 3.14, और टी एक साल में लगाती है पृथ्वी चक्कर है ना इस तरीके से सूर्य का चारों ओर, तो टी का मान वन ईयर, ईयर को किसे बदलो महीनों में, यानी दिनों में बदल लो है ना 365 से गुना करके, और दिन को घंटों में बदलो, घंटे को मिनट में बदलो, और मिनट को सेकंड में बदलो, तो कैलकुलेशन करोगे तो पागल हो जाएंगे है ना। तो फिर है ना इस तरीके से इसकी जो वैल्यू है आप डायरेक्ट याद रखेंगे 2×10^-7, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, क्लियर है। तो
जिनका सब्जेक्टिव है उन्हें याद करनी पड़ेगी कुछ वैल्यू, जिनका ऑब्जेक्टिव है वो तो बस चीज़ों को समझते चले, ठीक है। तो ओमेगा क्या आ रहा है, ओमेगा कितना आया, आर और ओमेगा की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ओमेगा की वैल्यू जो है वो है 2 गुना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा यहाँ से तो 0.006 आता है यहाँ पे, क्या ये भी बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो बहुत स्मॉल है, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो, अब आप पहले एक बात कह रहे थे कि ये जो है आपकी अर्थ रिवॉल्यूशन भी है इसमें और रोटेशन भी हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन के कारण क्या है इसमें, एक्सेलरेशन है, ठीक है, और रोटेशन के रोटेशन हो रहा है तो रोटेटिंग भी है यानी घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णी है, और रिवॉल्यूशन कारण एक्सेलरेटेड भी है यानी त्वरित है। तो फिर ये तो वो होनी चाहिए ना नॉन रोट, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए थी, ठीक है, यानी अजड़त्व निर्देश तंत्र होनी चाहिए थी अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो रिवॉल्यूशन के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है और जो रोटेशन के कारण एक्सेलरेशन आ रहे हैं वो क्या है, 0.0, जीरो ही तो है, ये देखो जीरो ही तो है, ना के बराबर है, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन है तो त्वरण है तो, लेकिन वो किसके कारण, रिवॉल्यूशन के कारण भी हो रोटेशन के कारण भी हो, ना के ही बराबर है। तो इसका मतलब त्वरण होते हुए जब वो 0.00 करके है तो है ही नहीं इसका मतलब, है ना, तो रोटेशन कर भी रही है तो भी कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, रोटेशन फिर तो रोटेशन कर रही है और रोटेशन का जो एक्सेलरेशन है 0.0 है ना, है मतलब इतना छोटा है, तो ऐसा मान के चलो रोटेशन कर ही नहीं रही क्योंकि उसके कारण जो एक्सेलरेशन है त्वरण है वो ना के बराबर है, तो ऐसा मान के चलो रोटेशन नहीं कर रही है, कैसी है, नॉन रोटेटिंग है, रोटेटिंग तो है वास्तव में लिखा है ना एक्चुअली, तो नॉन इनर्शियल है क्योंकि नॉन क्योंकि कैसी है, रोटेटिंग है, घूर्णी है, लेकिन जब उसका एक्सेलरेशन इतना कम है तो हम उसे कैसे मान लेंगे, नॉन रोटेटिंग यानी अघूर्णी मान लेंगे, ठीक है। और साथ में रिवॉल्यूशन के कारण भी एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, ये रहा बहुत कम आ रहा है 0.00, तो वो भी इतना कम है कि ना के ही बराबर है, एक्सेलरेटेड होने के बाद भी वो ना के ही बराबर है एक्सेलरेशन, इसलिए उसे क्या मान लेंगे, अनएक्सेलरेटेड यानी अत्वरित मान लेंगे त्वरित होने के बावजूद भी, ठीक है। तो देखो वास्तव में तो वो नॉन इनर्शियल है क्योंकि वास्तव में एक्सेलरेटेड भी है और रोटेटिंग भी है, लेकिन मानी कैसे जाती है, अनएक्सेलरेटेड और नॉन रोटेटिंग, रोटेटिंग है ना, अर्थात इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे है, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब आप नीचे लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ द अबव एक्सेलरेशंस आर नेग्लिजिबल, दोनों एक्सेलरेशन कैसे हैं, नेग्लिजिबल है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू रिवॉल्यूशन, क्लियर है, दोनों कैसे हैं, नेग्लिजिबल है, नगण्य है बिल्कुल। तो इसलिए आप मान सकते हो कि दोनों ये नगण्य है, तो फिर क्या हुआ, जो अर्थ है वो अनएक्सेलरेटेड भी है और नॉन रोटेटिंग की तरह ली जा सकती है ना, तो इसी कारण वो क्या मानी जा सकती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई आपको, तो सिद्ध हो गया कि अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो आपका जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो तो वो भी है ना, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर से, कितने ही तरह के क्वेश्चन पूछ बन सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ता है और सब्जेक्टिव के लिए भी उनका ये क्वेश्चन तैयार हो गया है कि है ना, सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि अर्थ कैसा है, अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी पृथ्वी एक जड़त्व निर्देश तंत्र होती है, सिद्ध कीजिए। तो आप मैंने सिद्ध करके दिखा दिया है, ठीक है, समझ में आया। चलो तो फिर है ना, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लेना, PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, PDF नोट्स और क्लास का लिंक आपको वहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते रहिए, बताते रहिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट।